जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाना राव पार्क कानपुर शहर का अग्रणी लक्ष्य है। यह शहर केंद्र में स्थित है और हर दिन लगभग 2000 से 3000 व्यक्तियों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें मॉर्निंग वॉक, बच्चे खेल, व्यक्ति और प्रकृति प्रेमी शामिल है। कानपुर स्मार्ट सिटी ने नगर निगम के सहयोग से नाना राव पार्क को कानपुर शहर के मॉडल पार्क के रूप में विकसित करने का कार्ययोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इस विशेष परियोजनाओं को दो चरणों में लिया गया है। पहला है एक के तहत नई सीमा, दीवार, बाउंड्री वॉल, मेमोरियल वेल का नवीनीकरण, नई सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक, नई साइकिल ट्रैक, वाहन पार्किंग क्षेत्र का विकास, साइनेज, लाइटिंग आदि जैसे कार्य किया गया है। यह लगभग 10 करोड़ के बजट के साथ पूरा हुआ है। और दूसरा है, इस चरण में 4.6 करोड़ के साथ लैंडस्केप डेवलपमेंट, प्लांटेशन एंड प्ले एरिया, हैंजिंग, इंटरनल लाइटिंग, स्पीकलर सिस्टम, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम आदि के कार्य शुरू किए गए हैं। आज आयुक्त ने नगर निगम के नोडल अधिकारी, स्मार्ट सिटी उद्यान अधिकारी, अपार नगर आयुक्त के साथ नाना राव पार्क का दौरा किया। आयुक्त द्वारा दिए गए दौरे को निर्देशों की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार है। पिछले 6 महीने से पहले चरण का काम पूरा हो गया है, लेकिन इसे नगर निगम को नहीं सौंपा गया था। निरीक्षण के दौरान पता चला कि स्मारक कुएं में कुछ बदमाशों द्वारा कई स्ट्रीट पाथ लाइटों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इसके अलावा तात्या टोपे जी की मूर्ति के पीछे खड़ी की गई नई दीवार बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है।